क्रिकेट के बारे में आज से पहले आपने जो कुछ भी सुना था उसे आप भूल जाइए, क्योंकि ये है इंडियन प्रीमियर लीग। आज IPL, NFL, NBA और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली लीग है। वहीं जहां एक NBA गेम की कीमत $2 मिलियन है, वहीं एक IPL गेम की कीमत $15 मिलियन से भी ज्यादा है। IPL has turned into a global cricket, जो 10 फ्रेंचाइजी, 74 मैच और 500 मिलियन से ज्यादा व्यूवर्स के साथ 2 महीने तक चलता है, जो दुनिया के किसी भी लीग से बहुत बड़ा है। जहां NFL, NBA और फार्मूला 1 जैसे लीग की स्थापना कई दशक पहले ही हुई थी, तो वहीं IPL 2008 में पहली बार शुरू हुआ था। इस लीग को बनाने का रीजन BCCI को पहले ही पता था कि भारत के लोग क्रिकेट को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन नए व्यूवर्स और इन्वेस्ट करना BCCI के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिकेट लाइक टेस्ट मैच में एक मैच फाइनल होने में 5 दिन लगते हैं, और यहां तक कि शॉर्ट वर्जन क्रिकेट में भी एक ODI मैच 7 से 8 घंटे चलता है, क्योंकि आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वह 7 से 8 घंटे बैठकर क्रिकेट देख सकें। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2003 में इंग्लैंड ने T20 नाम का एक फास्टेस्ट वर्जन का क्रिकेट लॉन्च किया। इस मैच को पूरा होने में करीब 2.5 घंटे लगते थे और ये तुरंत हिट हो गया। इंडिया के 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को एक तीर से 2 शिकार करने का मौका मिल गया और उन्होंने एक लीग बनाने की सोची। लेकिन मोदी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ICL, जो कि अभी अभी शुरू हुई थी। उसे BCCI अथॉरिटी को धमकी दी और बड़े खिलाड़ियों को पॉज करना शुरू कर दिया। इट नीडेड टू बी क्रैश। ललित मोदी पहले से ही US के हुक फ्रेंचाइजी मॉडल की सक्सेस को देख चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों हमारे भारत में ऐसी लीग नहीं है, क्यों ना एक ऐसी ही मनी मेकिंग फ्रेंचाइजी इंडिया के पास भी हो, वो भी स्पेशली इंडिया में, जहां क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि धर्म समझा जाता है। इसीलिए मोदी ने 2008 में IPL की स्थापना की। पहली बार 8 टीमों के साथ T20 क्रिकेट लीग की स्थापना की गई, जो केवल 2 महीने खेली जाएगी। फ्रेंचाइजी मॉडल में खेलने के लिए टीमें बनाई गई और 24 जनवरी 2008 को कुल $724 मिलियन में इन टीमों की नीलामी की गई। बिकॉज हर एक टीम इंडिया के अलग अलग शहर में स्थित थी, बल्कि ऑर्गेनाइजर के प्रति रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि IPL का पूरा ध्यान इंटरटेनमेंट पर फोकस हो। IPL का पहला सीजन ही सक्सेसफुल रहा और इसने करीब 12 बिलियन व्यूवर्स को अट्रैक्ट किया और $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, और इसके व्यूवरशिप में 20 गुना से ज्यादा का ग्रोथ हुआ। हिस्टोरिकली जहां ICL के मॉडल में 50 मिलियन व्यूवर्स पाने के लिए भी वो स्ट्रगल करती थी, वहीं इस IPL ने व्यूवर्स को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। IPL के सक्सेस के बाद ICL को बंद कर दिया गया। इसका मेन रीजन था कि IPL पैसे कमाने की मशीन है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है, और इसका मतलब है बहुत सारे लोग, और इसमें जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा एड रेवेन्यू, और पोटेंशियल एड रेवेन्यू का IPL जो पैसे कमाता है उसका 80% हिस्सा सेंट्रल रेवेन्यू से आता है, जो BCCI नेगोशिएट करता है। इसमें लीग वाइज स्पॉन्सरशिप जैसे टाटा और लीग सेंट्रल मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्ट के भी एग्रीमेंट होते हैं, जिसे 2022 में मीडिया और ब्रॉडकास्ट राइट $6 बिलियन में बेचे गए, जिसमें $3 बिलियन को हॉटस्टार को और $3 बिलियन में ही Viacom 18 को बेचे गए थे, और इसे 74 मैच में डिवाइड करने पर एक मैच की कीमत $15 मिलियन से भी ज्यादा थी। और जैसे जैसे व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं, BCCI ब्रॉडकास्टर से ज्यादा पैसे ले सकता है, जो एड्स के थ्रू सेल होती है और व्यूवर्स के सब्सक्रिप्शन में कमाई जाती है। IPL सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि 2020 में USA, UK और साउथ अफ्रीका सहित 120 कंट्री में भी इसका ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रेंचाइजी भी बहुत पैसे कमाती है। BCCI मीडिया राइट्स के रेवेन्यू का 50% ही अपने पास रखता है और बाकी 50% 10 फ्रेंचाइजी में बांट देता है। एक IPL मैच को देखने के लिए एवरेजली 30,000 लोग आते हैं, और इसमें टिकट की सेल हर टीम के रेवेन्यू पर 15% का हिस्सा होता है। हर टीम के रेवेन्यू चार्ट में देखें तो इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज एंड प्राइज मनी। आप एक खिलाड़ी को देखें तो उसकी जूते से लेकर सर की टोपी तक स्पॉन्सर्ड होती है, और कुछ फ्रेंचाइजी जैसे चेन्नई सुपर किंग स्पॉन्सरशिप से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, क्योंकि इसका फैन बेस सबसे ज्यादा है। एंड देयर इज पावरफुल वर्चुअल साइकिल, क्योंकि IPL मोस्ट एक्साइटिंग फॉर्मेट है। यह मैच खेलकर ऑडियंस इकट्ठा करती है, और जितनी ज्यादा ऑडियंस उतना ज्यादा पैसा। 2019 में विराट कोहली की सैलरी $4 मिलियन थी, क्योंकि वह RCB के लिए खेलते थे, लेकिन उनके स्टारडम ने उन्हें एड्स के अलावा $21 मिलियन का बैंक बनाने की अनुमति दी, जिसके कारण IPL ने AB de Villiers, डेविड, क्रिस गेल, वार्नर जैसे इंटरनेशनल स्टार को लाया। बट ऑल दिस फैक्टर एंड द बिग मनी लेड टू टेंशन। टेस्ट क्रिकेट ट्रेडिशनली T20 से भी ज्यादा रिस्पेक्टेड क्रिकेट है, क्योंकि क्लासिक क्रिकेट फॉर्मेट टेस्ट में एक खिलाड़ी की 5 दिनों तक एक मैच खेलना पड़ता है। बट IPL में जो पैसे मिले थे उसे देखकर सबके दिमाग घूम रहे थे, और 2007 में 50% प्लेयर ने T20 के नेशनल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया,
और वहीं IPL मोर व्यूवर्स प्लेयर्स एंड ब्रॉडकास्ट को अट्रैक्ट किया है। रियल डिस्कशन तो इस पर होने लगी कि क्या टेस्ट क्रिकेट अब केवल कुछ ही बड़े देशों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि IPL अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचलता जा रहा था। क्योंकि जब 2020 में कोविड के टाइम पे स्टेडियम टिकट रेवेन्यू जीरो था, तब भी यह प्रॉफिट में था या केवल टीवी पर ही हिट हो गया था। इसके पॉपुलर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भी ऐसे ही लीग बनाई गई। IPL की ग्रोथ 2009 में इसकी स्थापना के एक साल बाद इसका रेट $67 मिलियन था और आज 14 साल बाद एक फ्रेंचाइजी का मूल्य $1.1 बिलियन से ज्यादा हो गया। इसकी एक फ्रेंचाइजी की कीमत $1.1 बिलियन से भी ज्यादा है, जो लास्ट 13 सालों की कंपैरिजन 24% की एनुअल ग्रोथ रेट है। NBA टीम की ग्रोथ रेट 16% है और NFL टीमों की 10% और IPL की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है और आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी।